नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश वर्मा है और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जिसका नाम है बी प्रोफेशनल। आइए हम डिस्कस करते हैं Google Chrome के कुछ ऐसे बेसिक शॉर्टकट कीज़ जिनके ज़रिए आप अपने टास्क को बहुत ही ज़्यादा इजी बना सकते हैं। आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ऐसे कौन कौन से शॉर्टकट्स हैं। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल बना के रखी है जिसमें मैंने सारे शॉर्टकट्स को डिफ़ाइन कर दिया है। आइए हम एक एक शॉर्टकट को धीरे धीरे डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं। देखिए, हमारा पहला शॉर्टकट की है Ctrl+D टू ऐड अ बुकमार्क। अब बुकमार्क क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ। बुकमार्क होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे फेसबुक सर्च करा, ये देखिए, अब ये फेसबुक का पेज आ गया है। और मान लीजिए मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ, अब दोबारा मैं ओपन करता हूँ, अब मुझे फिर से फेसबुक खोलना हो तो मैं कैसे खोलूँगा? एक तो तरीका, मैं दोबारा टाइप करूँगा, फिर लिंक पे क्लिक करूँगा और फिर फेसबुक खुलेगा। दूसरा तरीका, मैं उस पेज को सेव कर लूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पहले से बुकमार्क बना रखा है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। आपको फिर से बना के दिखाता हूँ कैसे बुकमार्क बनता है। अब जैसे मैंने फेसबुक खोला, अब आप यहाँ बनाएंगे, Ctrl+D दबाएंगे, ये देखिए ये बुकमार्क आ गया। आप यहाँ डन पे क्लिक कर देंगे, ये आपका बुकमार्क बन चुका है। अब देखिए, जब भी आप इस बटन, ये बटन बन के आ जाएगा, इस बटन पे जब भी क्लिक करोगे आपका फेसबुक पेज डायरेक्ट खुल जाए। आइए हम दूसरे शॉर्टकट के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है Ctrl+F सर्च एनीथिंग ऑन पेज। अब Ctrl+F से जैसे मान लीजिए आपने जैसे कोई चीज़ सर्च करी, ये देखिए जैसे गूगल डाला हमने, अब ये देखिए यहाँ पे जैसे मैंने फेसबुक डाला, अब जैसे ये मेरा वेब पेज आ गया है और इस वेब पेज में मैं जैसे किसी टेक्स्ट को सर्च करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे Ctrl+F दबाना पड़ेगा। और मैं यहाँ टाइप करता हूँ, जैसे मैंने टाइप करा स्टूडेंट, देखिए इसने स्टूडेंट को सर्च कर लिया और ये सर्च बार में शो कर रहा है 1 by 1, 1-1। इसका मतलब है जैसे इस पेज में अभी जो फर्स्ट वन है ये शो करता है कि इस पेज में स्टूडेंट जो भी है, अभी हम पहले स्टूडेंट नंबर पर, और दूसरा शो करता है कि कितने स्टूडेंट इस पेज में, तो इसको सिर्फ एक ही स्टूडेंट मिला है इस पेज में। अब हम इसे क्लोज़ करते हैं। आइए हम दूसरे शॉर्टकट के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है Ctrl+H। Ctrl+H से आप जैसे मान लीजिए आपने फेसबुक सर्च करा, उसके बाद में IRCTC सर्च कर लेते हैं, ये देखिए, अब जैसे मैंने काफ़ी चीज़ें सर्च करी है, IRCTC भी सर्च करा है, फेसबुक भी सर्च करा है, अब मैं हिस्ट्री देखना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे Ctrl+S दबाना पड़ेगा। देखिए, मैं जो जो चीज़ मैंने सर्च करी है वो सारी आ गई है। आइए हम दूसरे शॉर्टकट के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है Ctrl+J गो टू डाउनलोड विंडो। जैसे मान लीजिए हम कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं, ये देखिए मैंने जैसे एनीडेस्क खोला, अब मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, ये देखिए मैं इसे डाउनलोड कर रहा हूँ। ये देखिए ये डाउनलोड होने जा रहा है। अब एक तो तरीका है कि मैं इस डाउनलोड पे इसको, अब अगर मुझे मान लो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डाउनलोड कर रखी है और मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कौन कौन सी चीज़ें मेरी डाउनलोड हो रही है, एक तो तरीका है मैं इस 3 बटन पे क्लिक करूँगा और डाउनलोड्स में जाऊँगा, और दूसरा शॉर्टकट है Ctrl+J दबाऊँगा, ये देखिए Ctrl+J दबाया मैंने, मैं जो भी डाउनलोड कर रहा था वो सारी लिस्टें यहाँ आ गई है। आइए हम दूसरे शॉर्टकट के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है Ctrl+K। Ctrl+K का मतलब है कि
जैसे मान लीजिए आपका ये सर्च बार है, ठीक है, हम नया टैब ओपन करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका ये सर्च बार है, आपको यहाँ पे कर्सर लाना पड़ता है जब भी आप कुछ सर्च करते हैं। या तो जैसे मैंने डाल दीजिए, ये देखिए, अब मुझे मान लीजिए मेरा ये नया टैब मैंने ओपन कर लिया। अब मुझे दोबारा से कोई चीज़ सर्च करनी है तो मैं माउस का कर्सर यहाँ पे लेके जाऊँगा। इससे अच्छा है मैं कंट्रोल के दबाऊँ। ये देखिए, हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। आइए हम दूसरे शॉर्टकट के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस एल से होता है हमारा पाथ सिलेक्ट। जैसे मान लीजिए हमारी ये ब्राउज़र ओपन है, ठीक है, अब इसमें जैसे ये देख रहे हैं आप, ये ऊपर ये बोलते हैं हम एड्रेस, जो इस पेज का एड्रेस है। अब मान लो हमें इसे सिलेक्ट करना हो तो एक तो तरीका है हम माउस को ले जाकर डबल क्लिक कर दे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका है कंट्रोल प्लस एल दबाएंगे, देखिए ये डायरेक्ट सिलेक्ट हो गया। अब हम इसे यहाँ कॉपी भी कर सकते हैं, देखिए मैं इसे यहाँ पेस्ट भी कर सकता हूँ। आइए हम दूसरे शॉर्टकट के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है कंट्रोल प्लस एन। न्यू विंडो ओपन इन ब्राउज़र। देखिए जैसे मान लीजिए मेरा गूगल का क्रोम खुला हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी नई विंडो खुले गूगल क्रोम की। इसमें काफ़ी गचड़ पचड़ हो गई है, तो उसके लिए कंट्रोल एन दबाएंगे आप तो आपकी नई विंडो खुल जाएगी। देखिए आपकी ये फ्रेश विंडो ओपन है, नीचे आप देख सकते हैं दो आपके टैब ओपन हो गए हैं। आइए हम दूसरे शॉर्टकट के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ बेसिकली वैसे मान लीजिए हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें हमें कोई फाइल अपलोड करनी है, तो उसके लिए हमें उस बटन पर क्लिक करना पड़ता है। इससे अच्छा तरीका है कि हम कंट्रोल प्लस ओ दबाएं। किसी फाइल को देखिए, अब आप अपलोड कर सकते हैं डायरेक्टली उस पर क्लिक करके और यहाँ से ओपन करके। मैं इसे ओपन नहीं करूँगा क्योंकि अभी मुझे इसे इम्पोर्ट नहीं करना है। आइए हम दूसरे शॉर्टकट के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी बेसिकली जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ फेसबुक सर्च, मैंने मान लीजिए यहाँ जैसे सर्च करा लिस्ट ऑफ फोर्ट। अब देखिए ये फोर्ट की लिस्ट आ गई है। जैसे मान लीजिए विकीपीडिया पे मैं लिस्ट ऑफ फोर्ट देख रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इन फ्यूचर के लिए मैं इसे सेव करके रख लूँ, तो मैं कंट्रोल पी दबाऊँगा और मैं इसे पीडीएफ में सेव करना चाहता हूँ। ये देखिए हमारा यहाँ प्रिंटर होते हैं, आप सेव एज पीडीएफ करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपके गूगल क्रोम में ऐसी फैसिलिटी दी गई है कि आप किसी भी वेब पेज को पीडीएफ में कन्वर्ट करके सेव कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक लेआउट आप पोर्ट्रेट में सेव करना चाहते हैं या लैंडस्केप में सेव करना चाहते हैं। जैसे आप चाहते हैं वैसे आप इसे सेव कर सकते हैं और यहाँ सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए, आइए हम इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। ये देखिए हमारा सेव हो चुका है ये वेब पेज पीडीएफ में। आइए हम दूसरे शॉर्टकट के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है कंट्रोल प्लस आर। इससे पेज को हम रिफ़्रेश कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पेज खोल रखा है, अब इसमें मान लीजिए जैसे पिक्चर्स आ रही हैं। कभी कभार क्या होता है हमारे वेब पेज में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण जो है वेब पेज कुछ चीज़ों को लोड नहीं कर पाता, तो हम रिफ़्रेश करते हैं पेज को। तो एक तो तरीका है माउस के कर्सर को यहाँ लेके जाएंगे और एंटर दबाएंगे, फिर से रिफ़्रेश होता है। दूसरा तरीका है हमारे पास कंट्रोल आर दबाएंगे हम रिफ़्रेश करने के लिए पेज को। आइए हम दूसरे शॉर्टकट के जानते हैं, जिसका नाम है कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस होता है सेव वेब पेज। ये बेसिकली जैसे मान लीजिए हमने ये वेब पेज खोल रखा है, अब हम इसे सेव करना चाहते हैं। ये देखिए डेस्कटॉप पे हमने जैसे इसे सेव कर लिया, ये देखिए ये वेब पेज फॉर्मेट में सेव हो रहा है। ये देखिए एक तो है सिंगल
फाइल कंप्लीट, कंप्लीट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो हमें कंप्लीट में ही सेव करना चाहिए। बेसिकली इस तरीके के टास्क, जैसे कोई ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं तो उनके कई सारे पोर्टल होते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन वगैरह। तो अब मान लीजिए वो वेब पेज खोलता है तो डेली डेली उनको वेब पे गूगल क्रोम में सर्च ना करना पड़े, तो वो क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं उस पेज को। अब देखिए ये हमारा पेज सेव हो चुका है। ऐसे ही वो अपना पेज सेव कर लेते हैं अलग अलग, जैसे अमेज़ोन का है तो अमेज़ोन का सेव कर लिया, फ्लिपकार्ट का है तो फ्लिपकार्ट का सेव कर लिया। तो अपना वर्क जब भी उन्हें करना होता है तो वो उस पेज को ओपन करके कर सकते हैं। आइए हम दूसरा शॉर्टकट के डिस्कस कर लेते हैं, जिसका नाम है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी का यूज़ होता है, जैसे मान लीजिए आपका ये वेब पेज खुला हुआ है, इसके पास आप ये प्लस का साइन देख रहे हैं, इस पे हम क्लिक करते हैं तो हमारा एक न्यू टैब ओपन हो जाता है। अब बेसिकली इसका एक शॉर्टकट बनाया गया है जिसका नाम है कंट्रोल टी। देखिए आप एक दूसरा टैब भी ओपन कर सकते हैं शॉर्टकट के ज़रिए। आइए हम दूसरा शॉर्टकट की को डिस्कस करते हैं, इसका नाम है कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू बेसिकली, जैसे मान लीजिए हमारा वेब पेज है और इसको हम जो है इस जो ये वेब पेज है, ये वेब पेज कैसे बना है, इसके पीछे कुछ प्रोग्रामिंग करी गई है, तो ये पेज डिज़ाइन कैसे हुआ है, तो उसका सोर्स कोड देखने के लिए हमें कंट्रोल प्लस यू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये देखिए ये इसकी कोडिंग है कि ये वेब पेज बना कैसे है। आइए हम दूसरा शॉर्टकट के डिस्कस करते हैं, कंट्रोल डब्लू। कंट्रोल डब्लू का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपके बहुत सारे टैब खुले हुए हैं, अब आप इनमें से कुछ टैब्स को बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल डब्लू, देखिए क्लोज़ हो जाएगा। एक तो तरीका है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लोज़ हो जाएगा, दूसरा आप कंट्रोल डब्लू दबाएंगे तो उससे भी क्लोज़ हो जाएगा। आइए हम लास्ट शॉर्टकट की के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है ओल्ट प्लस एफ, ओपन सेटिंग। देखिए जैसे मान लीजिए हमारा ये जो क्रोम ब्राउज़र है, इसमें आप ये तीन बटन देख रहे हैं, इस पर हम क्लिक करते हैं तो सेटिंग्स आ जाती है, लेकिन इसको इसका शॉर्टकट की है ओल्ट प्लस एफ। ये देखिए वापस से हम इसकी सेटिंग्स को ओल्ट प्लस एफ के ज़रिए ओपन कर सकते हैं। आइए हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आगे मैं आपको और बेहतरीन शॉर्टकट बताऊंगा गूगल क्रोम के, जिससे आप और भी ज़्यादा सीख सकें। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच।